स्टार्ट। महोदय, अगर हम अंतरिम बजट को विकास के एक विचार के तौर पर देखें तो इसका फोकस चार क्षेत्रों पर है। बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार, समावेशन और कौशल। इन चार क्षेत्रों के अलावा इस बजट में नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु संबंधी परियोजनाओं का वित्तीयन और निवेश के बारे में भी उल्लेख है। बजट में पूर्वी भारत के विकास पर फोकस किए जाने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बजट में प्रत्यक्ष कर से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा इसमें व्यक्तिगत आयकर से संबंधित बकाया कर संबंधी विवादों के समाधान पर भी फोकस किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटे करदाताओं की बकाया मांगों का समाधान दिया गया है, जो 1962 से लंबित थी। इनकी वजह से ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है और बाद के वर्षों के रिफंड में भी बाधा पहुंचती है। इसके उचित समाधान के लिए अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित ₹25,000 तक और वित्तीय 2010-11 से 2014-15 के लिए ₹10,000 तक की बकाया प्रत्यक्ष कर संबंधी मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। इस कदम से करीब 1 करोड़ करदाताओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और कर व्यवस्था पर करदाताओं का भरोसा भी ज़्यादा बढ़ेगा। पूंजीगत व्यय पर ध्यान देते हुए पूरा फोकस राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय वृद्धि दर 11.1% है, जो उसी वर्ष के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर 10.5% से ज़्यादा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि की एक प्रमुख वजह राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपए के ब्याज दर मुक्त ऋण का प्रावधान करना है। चूंकि केंद्र सरकार का राजस्व घाटा काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र की राजकोषीय स्थिरता पर इस तरह के ब्याज मुक्त ऋण के दीर्घकालीन प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 5.8% है। वर्ष 2024 का राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे में यह सुधार 2023-24 संशोधित अनुमान और 2024-25 बजटीय अनुमान के बीच राजस्व घाटे में GDP के 2.8% से 2% की कमी होने के कारण है।
उच्च राजस्व संग्रह और राजस्व घाटे के ज्यादा सुदृढ़ीकरण से राजस्व घाटे में सुधार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के अनुसार कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रकृति बदल रही है और एक नई वैश्विक व्यवस्था का विकास हो रहा है, जिसमें वैश्वीकरण की अवधारणा और आपूर्ति श्रृंखला को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।